मरकरी और मून की आमेजिस से ये हफ्ता उनका आइडियल गुजरने वाला है। दूसरे लफ्ज़ों में मरकरी और मून तो समझ नहीं आ गया, जज्बात और अकल की आमेजिस से ये हफ्ता आइडियल गुजरने वाला है। या इसको और आसान करें तो प्लानिंग और खुशी, उससे ये हफ्ता आइडियल गुजरने वाला है। इन तीन चार सिफतों की वजह से हर शोबे में जहाँ अकल और जज्बा यूज़ होता हो वहाँ देखेंगे कि इनके पास भरपूर फ्यूल मौजूद है। मरकरी की सपोर्ट से बीमारी का खात्मा, मरकरी की सपोर्ट से जहनी कोफ्त का खात्मा, मरकरी की वजह से गुस्से की आदत का खात्मा, जल्दबाजी का खात्मा, बदएतमादी का खात्मा, ये सब पॉसिबल है। एंड मून साइन की वजह से रिश्तेदारी की कबाहतें, नाराज़गियाँ, खराबियाँ वो रिकवर होती हुई नज़र आई। मरकरी की वजह से तालीमी के हैसियत में भी सरगर्मियों में इजाफा, तदरीसी सरगर्मियों में सीखना सिखाना दोनों बहुत अच्छा, और इसी अंदाज से कारोबारी लोगों के लिए भी आगे बढ़ना बहुत अच्छा। अच्छा, सही हो गया। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा कि ये अच्छे हैं, इनके लिए आगे बढ़ना जो है ना वो बेहतर है। अच्छा, जो रिलेशनशिप सेक्टर में ये कैसे हैं, जो नए रिलेशनशिप्स बिल्ड करने जा रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? टाइम देने की ज़रूरत है। वैसे उधर बहुत पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी में पहले तो वीनस ने ही हिस्सा लिया हुआ है जो पिछले दो हफ्तों से चलता आ रहा है। दूसरा, अब आज के दिन पहला दिन है, अभी तो कुछ घंटे ही गुजरे कि मून ने भी हिस्सा लिया है, तो मून की वजह से वक्त की सपोर्ट और टाइम, वक्त की सपोर्ट और इमोशंस, एंड वीनस की वजह से सिर्फ इमोशंस, ये दो बड़े ख़जाने इस वक्त हाथ लग गए हैं सैजिटेरियस के। अगर इस वजह से अपनी ज़िंदगी में कुछ निखार लाना चाहते हैं तो दो सितारे भरपूर अंदाज से हाई लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। कोई एक चीज़ जो इन्हें आप ऐड करना चाहते हैं इनके साथ कि ये एहतियात करें या फिर इन्हें ट्रैवल? मेरा ख्याल है एहतियात करने की, वैसे अपने टाइम को मैनेज करें सही तरीके से, लेकिन ऐसा जो लोग अभी तक साढ़ सत्ती के मोमेंटम से बाहर नहीं आए उन्हें अब थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। भाई अब कितना टाइम और ज़ाया करेंगे? बिलू सफायर अगर अभी तक नहीं पहना तो ज़रूर पहने, सूरज शाम ज़रूर पढ़ें, नहीं तो वो ऐसा ना हो 7 साल तो साढ़ सत्ती लगी रहे, 7 साल उसमें निकलने में लग गए। बिल्कुल सही। वो कहते हैं ना कि आपके और आपकी बीवी के ताल्लुकात जो है ना ये ठीक नहीं है, 40 साल तक आपके हालात ठीक नहीं रहेंगे। कहते शुक्र है 40 साल बाद ठीक हो जाएंगे। कहते नहीं, फिर आप आदी हो जाएंगे इसके। तो ये वो जो आदी वाला लफ्ज़ है ना, है तो वो जोक ही था, लेकिन आदतन लोग भी फिर समझौते करने लग जाते हैं ना, तो समझौतों से बाहर आ जाएं सैजिटेरियस, समझौता करने की ज़रूरत नहीं। यू आर द बेस्ट।